रे शंडीले, अब तेरी कांड में तो लड़ने। अब रे शंडीले कुत्ते, अब मुद्दी के साले, तेरे तिक्के पे साले गोली मारेंगे, तिक्के पे तेरी कांड में भी मारेंगे साले, तेरे तिक्के पे गोली मारेंगे, तिक्के पे तेरे हरामजादे, मुद्दी के साले तेरे तिक्के पे गोली मारेंगे, तिक्के पे। देखिए, एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया पिछले 25 साल से देश में आतंकवाद के खिलाफ जोरदार मुहिम छेड़े हुए हैं। मेरा एंटी टेररिस्ट फ्रंट एक इंडिया एक ऐसा संगठन है जो 2002 में पहला ऐसी आतंकवाद के विरुद्ध एक रथ यात्रा लेके गया जो दिल्ली से कश्मीर तक गई। मुझे पाकिस्तान की, चाहे वो ISI है, चाहे पाकिस्तान के लश्कर ए तैयबा संगठन है, हिजबुल मुजाहिदीन है, हमेशा जान से मारने की, मौत के घाट उतारने की धमकियां दे रहा है, कई मुकदमे दर्ज हैं। और मुझे जो है हिंदुस्तान में बब्बर खालसा के आतंकवादी हैं, खालिस्तान मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं, जनरल सिंह भिंडरांवाला समर्थक हैं, मुझे मौत के घाट उतारने की धमकियां देते हैं। लेकिन मेरी जो मूवमेंट है देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने की, मैं किसी भी कीमत पर देश में आतंकवाद को पनपने नहीं दूंगा। हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद के खात्मे की जो मेरी लड़ाई है तब तक जारी रहेगी जब तक आतंकवाद का खात्मा नहीं हो जाता। और मैं, मेरे खून से खालिस्तान बनेगा, मेरा खून ढुलकर खालिस्तान बनेगा, तब जब तक खालिस्तान नहीं बनेगा जब तक हम जिंदा हैं। और वहीं मुझे फिर जो है डराने के लिए, धमकाने के लिए, मुझे अपने मिशन से डाइवर्ट करने के लिए कल रात जो है फिर पाकिस्तान ने कहा कि जहां तेरे मत्थे के ऊपर टिक्का लगा हुआ है हम वहां गोली मारेंगे। तो मैं उन आतंकवादियों को, उस पाकिस्तान की ISI को ये बताना चाहता हूं, मेरी मूवमेंट भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, उधम सिंह जैसी है। मैं अपने खून का कतरा कतरा कुर्बान कर दूंगा। मैं एक गोली नहीं, मत्थे पर हजारों गोलियां खाने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं भारत के प्रधानमंत्री महोदय आपसे मांग करता हूं कि हमारे जैसे लाखों युवा जो है कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं, कई वीरेश चंडीला भगत सिंह बनने के लिए तैयार हैं। आप पाकिस्तान को जो है आतंकवादी देश घोषित करके पाकिस्तान पर अटैक करें, आप POK पर कब्जा ना करने की बात करें, आप लाहौर और कराची के ऊपर जो है इस्लामाबाद में तिरंगा लहराने की बात करें। जिन लोगों ने, जिन आतंकवादियों ने पाकिस्तान में बैठकर मुझे धमकी दी, मैं उनको आगाह करना चाहता हूं और मैं मांग करता हूं कि जो पाकिस्तान के आतंकवादी भारतीय जेल में बैठे हैं उनको जो है दिल्ली के जो है पार्लियामेंट के बाहर जहां आतंकवादी हमला हुआ, और 26/11 मुंबई में जहां हमला हुआ, उन आतंकवादियों को वहां ले जाकर मौत के घाट जिंदा आग लगा दी जाए, तब पाकिस्तान को अपने औकात पता चलेगी। ये इस पाकिस्तान से बदला लेने के लिए अमेरिका जैसा कदम उठाना पड़ेगा, जैसे अमेरिका में घुसकर अमेरिका की सेना ने लादेन को मौत के घाट उतारा और वर्ल्ड ट्रेड पेंटागन का बदला लिया, ऐसा ही भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी आपको 26/11 का बदला लेना होगा, पार्लियामेंट के शहीदों का बदला लेना होगा, आपको उड़ी के शहीदों का बदला लेना होगा, आपको पठानकोट के शहीदों का बदला लेना होगा। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया का यह वीरेश चंडीला हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के लिए अपने कुर्बानी, अपनी जान देने के लिए तैयार है, अपने परिवार की कुर्बानी देने के लिए तैयार है।